हेलो एंड वेलकम टू कोरोना स्टडी पॉइंट। कोरोना स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनीता और आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है इसलिए हम इसे 5 से 6 पार्ट में कवर करेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है। अब हमारे संविधान के पार्ट 5 में द यूनियन में इसका प्रावधान किया गया है। द यूनियन जिसे आप हिंदी में संघ कहते हैं, पार्ट 5 के चैप्टर 1 में द एग्जीक्यूटिव जिसे कार्यपालिका कहते हैं में इसका प्रावधान किया गया है। इस पार्ट में आर्टिकल 52 से 78 तक में ये सारी चीज़ें प्रावधानित की गई हैं, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के ऊपर पहले ही वीडियो बनाया जा चुका है, इस टॉपिक को कंप्लीट किया जा चुका है। पॉलिटी के ऊपर 12 वीडियो बनाए जा चुके हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ में आज हम डिस्कस करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री से है, हमारे राज्य का, कंट्री का हेड होता है, राइट। और इसके बाद ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं, राइट। अब इसके साथ में एक बात आप और भी समझ लेते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, संसदीय शासन प्रणाली चलती है। अब डेमोक्रेसी का ये जो मॉडल है इसे लिया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटिश से इस मॉडल को लिया गया है, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट होती है वही सुप्रीम होती है। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं ये नाममात्र के प्रमुख होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री के हाथों में होती, प्रधानमंत्री के पास होती। आज हम इस टॉपिक को भी यहाँ पर कवर करेंगे। इसके लिए हम दो टर्म यूज़ करते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा, डी फैक्टो हेड एंड डी जूरे हेड। डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तव में और डी जूरे का मतलब होता है विधिक रूप से, या आप कह सकते हैं कानूनी तौर पर हेड। तो जिसे कानूनी तौर पर हेड कहा गया है, विधिक रूप से हेड, वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राइट। और इसके साथ में जो डिफेक्टो हेड हैं ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ओके। तो यहाँ से तो आपको ये बात डायरेक्ट बता दी गई कि ऐसा होता है। अगर आपको हमारे संविधान में दिए गए आर्टिकल्स के आधार पर इस बात को एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए हम 3 आर्टिकल्स की बात करेंगे। एक तो हमारा हो गया 53, दूसरा 74 एंड 77। इन 3 आर्टिकल्स की चर्चा हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं इनके हाथों में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, इनके पास संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है। एक बात तो इसमें ये कह दी गई, दूसरी बात इसमें ये कही गई कि ये अपनी शक्ति का प्रयोग सबॉर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा करते हैं, मतलब अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। अब ये अधीनस्थ अधिकारी होते कौन हैं, इसके लिए हमें पढ़ना होगा आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, उसी की सहायता के लिए, उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को जो सलाह देती है वो एक मंत्रिपरिषद होती है और इसका हेड प्रधानमंत्री होता है। अब इसके बाद हम आते हैं, अच्छा ये जो हमने यहाँ पर बात करी मंत्रिपरिषद की, ये मंत्रिपरिषद ही अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, अधीनस्थ अधिकारी कोई और नहीं, ये मंत्रिपरिषद ही होती है, राइट। यानी कि मंत्रिपरिषद के माध्यम से ये कार्य करते हैं। इतनी बातें तो यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 77 पे। आर्टिकल 77 कहता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, संघ की कार्यपालिका के जितने भी काम हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें आर्टिकल 53 को, तो आर्टिकल 53 से हमने देखा कि जो जितनी पावर है वो राष्ट्रपति के पास है और ये जो काम भी किए जाएंगे कार्यपालिका के, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि विधिक रूप से तो राष्ट्रपति को ही हेड बना दिया गया है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 74 था जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति
की सलाह सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान प्रधानमंत्री है। ओके, और इस मंत्रिपरिषद के द्वारा ये कार्य करते हैं। तो आर्टिकल 74 ये स्पष्ट कर रहा है कि वास्तविक कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसका हेड प्रधानमंत्री है, राइट। तो यहाँ से प्रधानमंत्री वास्तविक हेड होते हैं, ये बात क्लियर होती है। और 77 से और 53 से ये बात क्लियर हो रही है कि ये विधिक रूप से हेड है और इनके नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। तो अगर आपको ये बात कहीं एक्सप्लेन करनी हो आर्टिकल्स के माध्यम से, तो आप इन तीन आर्टिकल्स के द्वारा इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, डी फैक्टो हेड और डी जूरे हेड में क्या अंतर है और कैसे ये राष्ट्रपति डी जूरे हेड हैं और कैसे प्रधानमंत्री डी फैक्टो हेड बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें देख ली। इसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, सीक्वेंस से इनकी बात करेंगे कि कहाँ पर इनके लिए क्या बातें कही गई। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, ये बात यहाँ पर कह दी गई। ओके, इसके बाद तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होता है और ये बहुत ही सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का पद होता है। इसके साथ में हम बात करते हैं आर्टिकल 58 की। हमारा जो आर्टिकल 58 है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताओं की बात करता है, क्वालिफिकेशंस की बात करता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप भारत के नागरिक हों, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ओके, यहाँ पर एज बता दी गई कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम किसी आयु के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पर मिनिमम आयु बता दी गई है कि 35 साल आपने पूरी कर ली। तो अगर कहीं कभी ये पूछ लिया जाए कि अधिकतम आयु राष्ट्रपति के मामले में कितनी होनी चाहिए निर्वाचन के लिए, तो आपका आंसर होगा कि संविधान में इसके बारे में उपबंध नहीं किया गया है, यहाँ पर 35 वर्ष न्यूनतम आयु बताई गई है, राइट। इसके बाद बात करी गई है हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा की। कहा गया है कि उसके अंदर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए योग्यता होनी चाहिए बात कही गई है, ये नहीं कहा गया है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, उसे लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, इस बात को यहाँ पर कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए। अब देखिए जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब में आप आते हैं, जिनसे आपको सैलरी मिलती है, वो चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हों, राज्य सरकार के अंतर्गत आते हों, आप इन सरकार के माध्यम से आपको वेतन मिलता है, फ़ायदा मिलता है, ऐसे जो पद होंगे वो लाभ के पद में आते हैं। यहीं पर एक बात और कह दी गई कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, सैलरी तो इनको भी मिलती है, 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये पहले ही एक्सप्लेन कर दी गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का पद, केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री का पद है। तो ये सारे अगर जो पद पर आप हैं तो ये लाभ के पद पर नहीं आएंगे, इन्हें है, राइट। अच्छा, लाभ के पद के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें इन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कुछ केसेस के माध्यम से भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें और सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो यहाँ से इनकी क्वालिफिकेशंस को लेकर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ शर्तों की, कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 59 में। क्या कहता है आर्टिकल 59? आर्टिकल 59 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट के किसी सदन के, मतलब संसद के किसी सदन के, जब हम संसद के किसी सदन की बात करते हैं तो वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा आ जाते हैं, इन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ में कहता है कि हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल की जब बात करते हैं तो वहाँ पर आ जाती है विधान परिषद और विधानसभा, इनमें से भी किसी का वो सदस्य नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ से आपने दो बातें देख ली कि वो संसद का, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसके साथ में कहा गया कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के, किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा। साथ में यहाँ पर कुछ और बातें कही गई, हालांकि इम्पॉर्टेंट ये दो बातें ज़्यादा थी, पर इसे भी देख लेते। यहाँ पर ये कहा गया कि राष्ट्रपति को जो शासकीय निवास दिए जाते हैं उसके लिए उसे कोई रेंट नहीं देना होता है, और संसद जो भी विशेषाधिकार, उपलब्धियाँ, भत्ते देती है, राष्ट्रपति इन सबको पाने का हकदार होता है। और अगर संसद के द्वारा ऐसी कोई नहीं किया गया है जब तक प्रावधान, तब तक जो भी सेकंड शेड्यूल में जो भी प्रिविलेज दिए गए हैं, जो भी वेतन भत्तों की बात करी गई है, वो राष्ट्रपति को मिलेंगे सेकंड शेड्यूल वाले। ओके, चौथी बात यहाँ पर ये कही गई कि जो राष्ट्रपति हैं इनकी जो भी उपलब्धियां हैं और जो भी भत्ते इनको दिए जाते हैं वो कभी भी इनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ से राष्ट्रपति को लेकर कुछ कंडीशंस थी, ये भी आपने पढ़ ली। ओके, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है इत्यादि बातों के बारे में हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, राइट। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है और आपको लगता है कि ये आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।